लगभग 11 माह बाद और 335 दिन के पश्चात विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी के गर्भगृह द्वार सुबह स्थानीय निवासियों व बाहरी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने गर्भगृह में दर्शन किए और गौरवान्वित महसूस किया। मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि शक्तिपीठ ज्वालामुखी के गर्भगृह के द्वारा सभी के लिए खोल दिए गए हैं। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है और कोविड SOP का पालन होता रहेगा। वहीं पुजारी सभा प्रधान अभिनंदन शर्मा ने DC प्रशासन व मंदिर अधिकारी का धन्यवाद किया और बताया कि 11 माह बाद मंदिर के गर्भगृह खुलने से सभी को राहत मिली है। स्थानीय निवासी ने बताया कि हर्ष का विषय है कि मंदिर के गर्भ द्वार खुलने जा रहे हैं, मंदिर के ज्योतियों के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दिनेश संजय शुभम आदि ने बताया कि लगभग एक वर्ष से मंदिर के गर्भगृह बंद थे, लेकिन अब जिला के सभी शक्तिपीठ के गर्भगृह खुलने से उनको काफी खुशी हो रही है और सभी लोग अपनी मन्नत को लेकर मंदिर में पवित्र ज्योतियों के दर्शन कर पाएंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। लंबे अरसे के बाद शक्तिपीठ के गर्भगृह खोले जा रहे हैं। इस बाबत जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति ने निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन कोविड-19 की SOP की पालना नियमित रूप से जारी रहेगी। जय माता की। आज बसंत पंचमी का जो पर्व है, आज हमारे ज्वालामुखी के सभी निवासियों के लिए और जो ज्वालामुखी में माता शक्तिपीठ में जो गण जो माता जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही हर्ष और उल्लास का समय है, क्योंकि आज प्रशासन को हमारे श्री CM जयराम ठाकुर जी और उनके मित्र श्री मनीष कर्मा जी के आह्वान पर उन्होंने आज मंदिरों के गर्भगृह को खोलने का एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। मैं पुजारी सभा का प्रधान अभिनंदन शर्मा इस बात के लिए DC महोदय जी का और SD महोदय जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने आज हमारी बहुत दिनों की जो इच्छा थी उसको आज पूर्ण किया और माता जी के पट जो है वो सभी भक्तजनों के लिए खोल दिए गए हैं। और वैसे भी ये जो बसंत पंचमी का पर्व होता है, ये हमारे लिए एक ऋतु का शुभ आरंभ होता है। इसमें पीली सरसों खिलती है, सब तरफ एक तरह से एक उत्साह का माहौल होता है और माँ शारदा का आज जन्म उत्सव होता है। तो आज इतने बड़े दिन पर आज हमारे हिमाचल के शक्तिपीठों के जो पट खुल रहे हैं, इसके लिए मेरे मन में बड़ी ही खुशी का हर्ष उल्लास का मन हो रहा है। और मैं महामाई से प्रार्थना करूँगा कि महामाई अब ये ऐसी विपत्ति ना दोबारा आए और ना ही ऐसी कभी संकट हमारे सभी भारतवासियों पर पूरे विश्व पर ना आए और इस कोरोना रूपी महामारी का जो विनाश हो जाए और ये दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति ना हो और ये जो मंदिर आज से खुल रहे हैं ये सभी भक्तों के लिए खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए। जय माता की, जय माता की। मैं सभी मतलब यहाँ के निवासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज 11 महीने के बाद मंदिर का जो गर्भगृह मतलब स्थान है उसको हमें पता लगा कि उसको दोबारा खोला जा रहा है। तो मैं सभी मतलब प्रशासनिक और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मतलब ऐसा ये बहुत बढ़िया निर्णय लिया है और सभी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं खुद आज हर मंगलवार को तो वैसे आता ही हूँ, लेकिन आज मैं मतलब बड़ी उत्सुकता के साथ वेट कर रहा था कि सुबह जाके माता रानी के चरणों में जाके शीश नभाऊँ और माता के दर्शन करूँ और माता आशीर्वाद लूँ। और सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जय माता की। आज हमारा नाम वीर सिंह धनखड़ है, चौधरी बुलंदशहर से आए, उत्तर प्रदेश से। बड़ी तमन्ना लेकर आए, मन के अंदर बहुत बड़ा उल्लास है कि आज हमने गर्भगृह के दर्शन होंगे और हम गर्भगृह के दर्शन करे बिना यहाँ से हम नहीं जाएंगे। चाहे कुछ हो जाओ, हम यहीं जमे रहेंगे जब तक हमें गर्भगृह के द्वार के दर्शन नहीं हो जाएंगे। ये हमारे दिल की तमन्ना है और ऊपर वाले की विश्वास है, श्रद्धा है हमें पूरी कि हमें दर्शन जरूर होंगे।